हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। आइए कुछ क्वेश्चंस करें। चलिए ये करिए। वही लग रहा है जो अभी वाले क्वेश्चन में लगा था। जैसे अभी किया था वैसे कीजिए। यस ऑल ऑफ यू, ये पहले वाला देखेंगे क्या ये ऐसा है। जब x नॉन नेगेटिव है तो x स्क्वायर बन जाएगा। इसके कंपोनेंट्स तो बहुत बड़ी है। साइन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस एन एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। तो इसका जो डेरिवेटिव बना, पहले साइन का डेरिवेटिव कॉस और फिर 2x। यहाँ भी साइन का डेरिवेटिव कॉस, साथ में कितना तो क्या बोले आपको। यस, व्हाट इज एफ डेरिवेटिव जीरो प्लस, जीरो ही आएगा। व्हाट इज एफ डेरिवेटिव जीरो माइनस, बोलो। सो दिस इज डिफरेंशिएबल एट जीरो, पहले तो है। दूसरा, अभी जैसे किया था वैसे करना पड़ेगा आपको। जैसे अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, अंदर ही डाल दीजिए। सो इन द फर्स्ट केस, जब एक्स रैशनल है एंड जब एक्स इरैशनल है। रैशनल है तो दिस विल बिकम साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। भैया जरा साथ आओ, माइनस एफ जीरो, तो जीरो वाला तो ये वाला पॉइंट है ना रैशनल नंबर, तो साइन जीरो जीरो डिवाइड बाय एक्स माइनस जीरो, लिमिट लगा लीजिएगा। और जब इरेशनल है तो फिर तो है ही जीरो माइनस जीरो डिवाइड बाय एक्स माइनस जीरो। तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, ऊपर वाला पार्ट। अरे आज ही तो एडजस्ट किया था, भूल गए। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अगर आपके पास है साइन में एक्स स्क्वायर और डिवाइड हो रहा है एक्स के साथ, तो और कुछ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इधर एक्स कर दो और साथ में भी एक्स कर दो। इसका क्या आंसर है, वन, और इसका क्या आंसर है, जीरो। तो आगे समझना आपको, इस डिफरेंशिएबल टाइप, मैं बोला ना टाइप बहुत अच्छी है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे वाला भी शायद हो ही जाएगा, मे बी हो गया ना। Yes, in the last case, number three. जब x rational है, this limit will become. दूसरा, तो ये तो जीरो आ गया। अब बस उस एक्सप्रेशन का लिमिट निकाल दीजिए।
जब प्लस में जाओगे तो ये साइन एक्स बाय एक्स यानी वन बनेगा, और इसमें क्या बनेगा आपका माइनस साइन बाय एक्स बाय एक्स, दैट इज तो ये तो लिमिट नहीं, जीरो तो नहीं आ रहा, जीरो नहीं आ रहा, तो हटाओ यहाँ से, दिस इज नॉट डिफरेंशियल। नेक्स्ट भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझदारी से करिएगा। आइए देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा ही अच्छा है। वेल, साफ साफ दिख रहा है आपको यहाँ पे लैग्रैन्जियन मीन वैल्यू थ्योरम, रॉल्स थ्योरम, सब सारा काम हो जाएगा। तो अब रिकॉल तो क्या ही करना है, व्हाट इज लैग्रैन्जियन मीन वैल्यू थ्योरम, एफ डेरिवेटिव ऑफ समथिंग से अल्फा इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, जिस भी इंटरवेल पे आप काम कर रहे हैं, इट कैन बी रिटन एज एफ ए माइनस एफ बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। तो यहाँ पे इंटरवल देखिए 0-4 है, तो 0 से 2 और 2 से 4 आप काम कर सकते हैं। सो अगर आप एलएमबीटी अप्लाई करेंगे ऑन द इंटरवल 0-2, तो आपको मिलेगा एफ डेरिवेटिव एट सम पॉइंट अल्फा, दिस विल बी एफ बी, किया होगा आप लोगों ने, डिवाइड बाय 2 माइनस 0। जी एफ 2 तो 2 दिया हुआ है, और ये 1 दिया हुआ, और ये आपका 2 माइनस 0, दैट इज 1/2 आ गया। यानी कम से कम एक पॉइंट पर डेरिवेटिव हाफ आ रहा है, वगैरह किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव हाफ नहीं आएगा, गलत हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इंटरवल बता रहा है 0-2, और ये इंटरवल बता रहे हैं 2-4, तो 2-4 पे भी एलएमटी अप्लाई करना, करना तो पड़ेगा। बीटा, सो देयर एग्जिस्ट बीटा, सो दैट एफ डेरिवेटिव बीटा इक्वल टू, लगाइए बोलिए एफ 4 एफ 2 डिवाइड बाय, लो फिर बैठ गए, सो दिस इज 3 माइनस 2, अरे सो दैट इज 1/2। तो ये तो दोनों पॉइंट्स पे डेरिवेटिव एट अल्फा और डेरिवेटिव एट बीटा बराबर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए। हाँ जी ऐसा हो रहा है। अब थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट हो गए हैं, नहीं उसके लिए थोड़ा कदम बढ़ाइए, दिल मजबूत कीजिए, और साथ आइए ऑल ऑफ यू,
please combine this with this and this. Lagrange's mean value theorem है, Rolle's theorem है, वो एक बार differentiable function के लिए पढ़ा है. Function से derivative में मिलता है आपको कुछ. अब derivative से double derivative में मिलेगा तो रुकेगा थोड़ा ना theorem. तो जरा यहाँ आना, please apply Rolle's theorem if you can. Just wait. Rolle's theorem अगर g function के लिए apply करना है तो भैया g continuous होना चाहिए, g differentiable होना चाहिए, open, close जो भी है, जो whatever. इसके साथ साथ क्या कंडीशन होता है आपका, जी ए शुड बी जी बी. तो फिर किसका रूट मिलता है, डेरिवेटिव का. तो जी डेरिवेटिव एट सी इक्वल टू जीरो. अब ये वाला काम आपको रॉल्स थ्योरम अप्लाई करना है डेरिवेटिव पे, वो तो कर ही सकते हैं. जरा साथ आना, रॉल्स थ्योरम अगर आप एफ डेरिवेटिव को देखेंगे तो भैया एफ डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है, एफ डेरिवेटिव डिफरेंशियबल है. क्यों, जो चिल्ला चिल्ला के कह ही रहे हैं ना ट्वाइस डिफरेंशियबल. अच्छा तो जरा यहाँ बताइए मेरे को, व्हाट इज एफ डेरिवेटिव एट अल्फा हाफ एंड व्हाट इज एफ डेरिवेटिव एट बीटा दैट इज आल्सो हाफ. तो लगाओ यहाँ पे रॉल्स थ्योरम क्या मिलेगा. इससे अगला, सो देयरफॉर एफ डबल डेरिवेटिव एट गामा, इज इट ओके वेयर गामा लाई बिटवीन अल्फा एंड. भाई समझ में आ गया आपको, तो कह रहे नहीं डबल डेरिवेटिव सारे पॉइंट्स पे पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए, हाउ कैन दैट बी, तो जीरो आ गया. तो ये भी गलत है, करो. Everything should be crystal clear. घर पे बैठ के बिना देखे करेंगे आप सारे points. सब कुछ clear ही होना चाहिए. Hello, hello. Yes. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इससे अच्छा तो क्वेश्चन मुश्किल ही बनेगा. है बड़ा अच्छा लगे, इसको डेकोरेट करके नोटबुक में लिख लेना सॉल्यूशन आने के बाद. ओके यस, कल आपको तीन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बताई गई थी, रॉल्स थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड डाबोक्स थ्योरम. ये अलग बात है, एप्लीकेशन सामने आ रही है आप कर नहीं पा रहे, कोई बात नहीं हो जाएगा. तीनों के स्टेटमेंट कस के पकड़ के रखिए. देखिए ये क्या मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं आप दे नहीं पा रहे, क्या है, क्या चीज है. तो ये किसके रूट्स हैं, एफ के रूट्स हैं, डेरिवेटिव के रूट्स हैं. तो रॉल्स थ्योरम से आएंगे ना भाई, वो कहाँ से आएंगे और बताओ, कोई थ्योरम बना है कोई डेरिवेटिव का रूट दे दे आपको, है ना, यही तो पहचानना पड़ेगा आपको. अब जरा यहाँ आना, रॉल्स थ्योरम के लिए तो ये कंडीशन होती है सर, यू एंड योर कंडीशन, है ना, इस तरह का कुछ होना चाहिए. ये फंक्शन किन किन पॉइंट्स पे जीरो है फरमाइए. वन पे जीरो है, बिल्कुल. टू पे जीरो है, देखते जाओ इधर, बोलना नहीं बीच में. हाँ जी, ये पांचों पॉइंट्स पे जीरो है. सबसे पहले आप कृपा करें, आप सभी लोग वन टू इंटरवल के ऊपर रॉल्स थ्योरम लगाएं, तो इनके बीच में डेरिवेटिव मिलेगा आपको. लेट मी कॉल दैट सी वन इक्वल टू जीरो. समझ में आ गया, अरे मिलेगा या नहीं मिलेगा बाबा. अब नेक्स्ट आपका टू थ्री पे लगाइए, एफ डेरिवेटिव सी टू इक्वल टू जीरो. फिर आप थ्री फोर पे लगाइए इंटरवल, यस एफ डेरिवेटिव सी थ्री इक्वल टू जीरो. लास्ट कौन से इंटरवल पे लगाएंगे, फोर फाइव पे, यानी एफ डेरिवेटिव सी फोर इक्वल टू जीरो. जी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और मुझे बताओ सी वन कहाँ लाई कर रहे हैं, सी टू कहाँ लाई कर रहे हैं, सी थ्री कहाँ लाई कर रहे हैं, सी फोर कहाँ लाई. सी वन लाइंग बिटवीन सी टू, तो डिस्टिंक्ट तो हो गए, चार रूट्स आ गए आपके, है ना, चार रूट्स. वेट वेट वेट, जो पॉइंट वन टू में लाई कर रहा है और जो पॉइंट टू थ्री में लाई कर रहा है तो डिस्टिंक्ट ही होंगे, सेम तो वैसे भी नहीं हो सकते.
आगे सुनिए जरा ध्यान से, ये डेरिवेटिव के आपको चार अलग अलग रूट दिख रहे हैं। हाँ, अब चार होंगे, चार से ज्यादा होंगे या चार से कम होंगे। ये लुक एट दिस पॉलीनोमियल एंड टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल। तो डेरिवेटिव की डिग्री कितनी होगी? तो फिर चार ही रूट्स आएंगे फिर तो, और तो गया, चारों सामने सामने रखे हुए। तो इसका आंसर एग्जैक्टली मैंने पहले ही बोल दिया था, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली फोर रूट्स, अपने हिसाब से अपनी भाषा में लैंग्वेज में अच्छे से लिख लीजिए, बहुत अच्छे से डिजाइन करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, हाईलाइट करके रख लो उसको। हाँ जी, हो गया, लिख लिया आप लोगों ने। अब बताओ कैसा क्वेश्चन था? नहीं, सच में बहुत अच्छा था। कोई आंसर नहीं? अच्छा, आंसर कैसा था? कोई क्वेश्चन नहीं। अगला क्वेश्चन और बढ़िया है, थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। मतलब आपको ट्रू फॉल्स बताना है, जस्टिफाई करना है। यस प्लीज डू। अभी इससे भी बड़ी स्टेटमेंट आएगी, धीरे धीरे चलते हैं, ज्यादा डराना भी ठीक नहीं है। मतलब आपने कह दिया तो ट्रू ही होगा। आइए, जैसे ही एफ ए एफ बी बराबर है वैसे ही इमिजिएटली आपने लगाया रॉल्स थ्योरम, और रॉल्स थ्योरम से क्या क्या मिला आपको? हाँ जी, क्या मिलेगा रॉल्स थ्योरम से? एफ डेरिवेटिव एट अल्फा इज जीरो वेयर अल्फा इज लाइंग बिटवीन ए एंड बी। लेकिन साथ हमें तो ये भी दिया हुआ है, तो थोड़ा दिल मजबूत करके कदम आगे बढ़ाइए। सो एफ डेरिवेटिव एट अल्फा इक्वल टू एफ डेरिवेटिव एट ए। हाँ जी, दैट इज अगेन बाय रॉल्स थ्योरम, है ना, डबल डेरिवेटिव पे अप्लाई कर दो। देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू ए अल्फा सच दैट। बोलिए, बोलो भैया, डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव? भैया आर्गुमेंट आपको समझ में आ गया? थोड़ी देर पहले भी लगाया था मैंने। ये ट्रू है, आपका स्टेटमेंट इज ट्रू। ये खुद से अप्लाई करना है घर पे, बिना देखे करना, गलती से भी सॉल्यूशन देखना ही नहीं है। एक घंटा लग जाए, एक घंटा नहीं लगेगा आपको। यस, रेडी फॉर नेक्स्ट? आर यू रेडी? यस सर।
थोड़ा सा चैलेंज है। ओके देखिए, अभी तो कुछ वैसा दिया नहीं हुआ, तो पहले इधर लगाएंगे आप इंटरवल 0-1 पे लगाओ LMVT लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ मिलेगा आपको f डेरिवेटिव अल्फा इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, यही है ना। सो 1-0 डिवाइड बाय 1-0, 1 आ गया, आप लोगों का भी आया होगा। ऐसे ही दूसरे पे लगाइए LMVT अब लगेगा इस इंटरवल 1-2 पे, तो उसके लिए आपको मिलेगा f डेरिवेटिव बीटा F2-F1 डिवाइड बाय 2-1। ये देखो कितना है, 2-1, 2, ये भी 1 ही है। तो यानी डेरिवेटिव अल्फा डेरिवेटिव बीटा बराबर है, तो इन दोनों के ऊपर आप अल्फा बीटा इंटरवल के ऊपर आप रोल्स थ्योरम लगाइए, हो गया खत्म। ये तो पहचानने के ही ऊपर अभी। देखो रोल्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या मिलेगा, There exists gamma belongs to alpha beta such that, बोलो बाबा, f double derivative gamma is zero. I think ये भी true है, दोनों statements true. Yes, are you ready for next? Ready? आप लोगों का हो गया? ये ऑनलाइन स्टूडेंट। Yes, sir. ये क्लास 1 फंक्शन है, सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशियबल फंक्शन लिखा ही है, मतलब डिफरेंशियबल तो है ही। जरा आइए, जब डिफरेंशियबल है तो जी ये इंटरवल 0-1 के ऊपर LMVT लगाइए। अब बोलो भैया क्या मिलेगा, देयर इज अ पॉइंट अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0-1 सच दैट एफ डेरिवेटिव अल्फा किसके बराबर है, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, यानी एफ वन एफ जीरो डिवाइड बाई 1-0। तो ये जो डेरिवेटिव है कितना आया, सो 1-0, 1-, ये तो 1 आ गया। और वो डेरिवेटिव का मॉड किसे लेस बता रहे हैं, वाई भी नहीं कभी। सो नो एलिमेंट कुछ है ही नहीं इसके पास, आंसर इज 0, ए इज एम्प्टी सेट, कार्डिनलिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट 0, ठीक है ना।